Hello everyone, welcome to our channel and today I am going to discuss NCERT English class 9 and the particular chapter is In the Kingdom of Fools by Canada Faltel chapter 4. Okay, all question answer. Now I am going to discuss. So your very first question is, what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? दो strange चीज़ें क्या थी जो उस गुरु और शिष्य ने उस kingdom of fools में पाई थी? So the guru and his disciple noticed two peculiar things in the kingdoms of fools. One is, everyone sleeps during the day and walks at night, and the cost of purchasing कि सब लोग दिन में सो रहे हैं और रात में जागते हैं. और दूसरा चीज़ क्या देखा था उन्होंने, everything from the market was valued the same amount कि उस बाज़ार में सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक रुपया में पाया जाता है, मिलता है, वन डूडू ओनली, वन रुपी. एंड इट डिडेंट मैटर इफ इट वॉज मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, द प्राइस वॉज द सेम. चाहे वो एक केजी राइस हो या एक बंच बनाना हो, सबका प्राइस सेम ही था, किसी का भी प्राइस डिफरेंस नहीं था. ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाई डू द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? डिसिपल ने, शिष्य ने क्यों डिसाइड किया कि वो उस किंगडम ऑफ फूल्स में रहेगा? Is it a good idea? क्या एक उसका सही फैसला था? So your answer will be, the disciple chose to remain in the kingdom of fools because he was static that everything cost only a single to do and was extremely expensive. It means कि उसको क्या लगा disciple को कि सारी चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही है, only for a सिंगल डूडू में मिल रहा है, सिर्फ एक रुपये में मिल रहा है, जबकि ये कितनी महंगी सारी चीज़ें हैं, फिर भी यहाँ पर सबका प्राइस सेम है. एंड ऑल ही वांटेड वाज राइस, जैसे कि राइस एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव मील्स. स्टेइंग देयर अकॉर्डिंग टू द गुरु वाज नॉट अ गुड आइडिया, नहीं, ये वहाँ पर रुक जाना सिर्फ चीज़ें सस्ती है इसके लिए, तो ये गुड आइडिया नहीं था. बिकॉज देवर ऑल फूल्स, क्योंकि वहाँ सारे मूर्ख लोग थे. And he predicted that his situation would not endure long. और गुरु को पता चल जाता है कि ये जो सिचुएशन है ना, बहुत डेंजरस है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है. And he was insured that they would do in the future कि आगे जा कर के ये जो चल रहा है ना सिस्टम, ये आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ऐसा प्रिडिक्शन कौन किया था? तो उनके गुरु ने किया था. Now the question number third one, name all the people what are tried in king's court and give the reason to their trial. तो आपको बताना है who are tried, किसने क्या क्या try किया है, आपको उसको reason देना है, उनके trial का क्या reason था. In the kingdom's court the following people were tried, बहुत सारे लोग थे. जैसे पहला है द मर्चेंट हुज होम वॉज ब्रोकन इन टू हिज हाउसेज वॉल एंड वॉल वॉज वीक एंड इट फेल ऑन द बर्गलर किलिंग हिम, कि वो मर्चेंट जिसका घर की दीवार कमज़ोर थी और वो चोर जो उसके घर चोरी करने गया था और वो दीवार उसी पर गिरी और उसकी डेथ हो गई. दूसरा नंबर है, सेकेंड वन है द ब्रिक लेयर हु कंस्ट्रक्टेड द वॉल, कि वो ब्रिक लेयर जिसने इस दीवार को कंस्ट्रक्ट किया था, बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड अ वीक वॉल दैट फेल किलिंग दी बर्गलर, कि उसने ना कमज़ोर दीवार बनाई थी जिसके कारण से ही उस चोर की, उस बर्गलर की मौत हुई है. और तीसरा रीज़न क्या था, द डांसिंग गर्ल सी पार्टिसिपेटेड इन डिस्ट्रैक्टिंग दी ब्रिक लेयर बाई गोइंग अप एंड डाउन द रोड विथ हर जिगलिंग एंकलेट्स, तो वो बोल रहा है कि अपनी पायल से, जो ये डांसिंग गर्ल थी, अपनी पायल से उन्होंने उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया था जिसके वजह से वो दीवार कमज़ोर बनी थी.
एंड द फोर्थ वन है द गोल्ड स्मिथ ही फेल्ड टू फुलफिल द डांसिंग गर्ल्स रिक्वेस्ट ऑन टाइम, कि जो गोल्ड स्मिथ था, सुनार था, वो इस डांसिंग गर्ल का पायल बनाकर एक्यूरेट टाइम पर देने में फेल्ड हो गया था, कॉजिंग हर टू विजिट द गोल्ड स्मिथ अ डजन टाइम्स। इसी वजह से वो बेचारी बार बार जा रही थी उसके पास। एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हु इज़ द रियल कल्प्रिएट अकॉर्डिंग टू द किंग, असली दोषी कौन था राजा के अकॉर्डिंग। वाई डज द एस्केप पनिशमेंट, और राजा ने पनिशमेंट क्यों एस्केप किया। सो योर आंसर विल बी द मर्चेंट इज अ जेन्युइन क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू द मोनार्क, कि राजा के अनुसार जेन्युइन क्रिमिनल कौन था, दोषी कौन था, तो वो मर्चेंट था। बिकॉज हिज ओल्ड फादर वॉज द ट्रू किलर, नहीं वो भी उससे भी बड़ा रियल किलर कौन था, उसका पापा था, बट ही वॉज डेड, लेकिन वो डेड हो चुका था, वो उनकी मौत हो चुकी थी, तो अब सारा पनिशमेंट किसको मिलेगा। एंड समवन हैड टू पनिश हिम इन स्टेट, सो ही स्प्रेड पनिशमेंट सिंस ही इज टू फ्रेल एंड टू बी वॉर्न एट द स्टेक ऑफ प्रॉपर्टी, कि जिसने उसकी प्रॉपर्टी ली है वही उनका सजा भी लेगा। एंड द फिफ्थ वर क्वेश्चन व्हाट वर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु के बुद्धिमान वाले शब्द क्या थे। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, और किनको कब याद किया था डिसिपल ने, गुरु को कब याद किया था। नाउ योर आंसर विल बी इट वॉज द सिटी ऑफ द फॉल्स अकॉर्डिंग टू गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम। सो द इनकरेज्ड द डिसिपल टू फ्ली द सिटी बिकॉज ही हैड नो आइडिया व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, गुरु तो वहाँ से चला गया था क्योंकि उनको पता था कि ये मूर्खों का शहर है, पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। नेक्स्ट व्हेन द डिसिपल वॉज अबाउट टू बी एक्सक्यूटेड ही रिमेंबर्ड दिस, जब डिसिपल को फांसी की सजा होने वाली थी तब उसने अपने गुरु को याद किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ, और गुरु ने अपने डिसिपल की शिष्य की लाइफ कैसे बचाई। सो योर आंसर विल बी बाय प्रोक्लेमिंग हिज विश टू बी स्लेन फर्स्ट, वो ये दावा कर रहा था कि जो पहले जिसको स्लेन किया जाएगा, किल किया जाएगा, मारा जाएगा। द गुरु ट्राइज टू परप्लेक्स द मोनार्क, राजा को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। देन टू द फर्दर परप्लेक्स द किंग एंड ही टेल्स हिम अबाउट हिज नेक्स्ट इनकॉर्नेशन, कि अगले वाले जनरेशन में राजा कौन बनेगा ये भी उसने बताया, कि जो पहले फांसी पर चढ़ेगा अगला मोनार्क वही बनेगा। सो इट अपियर्स टू बी अ केस ऑफ प्योर डिसेप्शन टू द प्रिजर्व योर लव्ड वंस लाइफ, और बोला कि अपने प्रिय की लाइफ को यहाँ पर प्रिजर्व कर लो क्योंकि अगला राजा वो बनेगा। हाउएवर ही इफ वी लुक डीपर द सेज इज अटेम्प्टिंग टू सेव एवरी वंस लाइफ इन द किंगडम, सो वेदर इंटेंशनली और अनोइंगली ही इवेंचुअली सक्सीड इन द रेस्क्यूइंग एवरी वन फ्रॉम द एंग्यूश ऑफ लाइफ इन द रियल्म ऑफ फूल्स। तो क्या बोला था उसने कि जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगला नेक्स्ट में वो यहाँ का किंग बनेगा, इसीलिए वो चाहता था कि नहीं पहले मुझे फांसी दे दो, और इसी तरह बरगला कर उसने फाइनली किंग को ही फांसी पर लटकवा दिया। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, आई थिंक कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट वेरी सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।